शिव शक्तियों आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, ओम शांति। मां की महिमा का गुणगान करते हुए आज हम तीसरे सत्र में आ पहुंचे हैं। आप आए हैं, आपका स्वागत है। माता सरस्वती को मां शारदे भी कहते हैं। आइए आज हम उनकी विशेषताओं, उनके अलंकारों का दर्शन करें। आम तौर पर स्कूल कॉलेजों में और तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में मां शारदे की प्रतिमा विद्यादायिनी के रूप में स्थापित होती हैं और पूजी जाती हैं। माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं। मां बुद्धि प्रदायिनी हैं। उनके श्वेत वस्त्र परिधान मन वचन की पवित्रता और शुद्धता की सूचक हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम स्वर, शब्द और उच्चारण जैसी महत्वपूर्ण विधाओं का प्रयोग करते हैं और निपुण हो जाते हैं। उनके हाथों में सजी वीणा इस बात का बोध कराती है कि वीणा के मधुर स्वरों की तरह हमारे मुख से उच्चरित प्रत्येक शब्द मधुर हो, वाणी सुरीली हो और हमारा जीवन संगीतमय बने, हम स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी आनंदित करें। माँ शारदा का सुंदर रूप वास्तव में हमारी वाणी और शब्दों के सौंदर्य की ओर संकेत करता है। मुखार बिंदु से जिनके नित ज्ञान धारा है बरसती, हम कहें उन्हें वीणा वादिनी माँ सरस्वती। धवल वाणी सी जो भगवत प्रिया है वो भगवती, हम कहें उन्हें हंसवाहिनी माँ सरस्वती। पवित्रता की ऊर्जा जगत में जो बिखेरती, हम कहें उन्हें पद्मासिनी माँ सरस्वती। पावन मन भावन दर्शन से शुद्ध स्नेह से सबको हैं ललचाती, हम कहें उन्हें माँ सरस्वती, हम कहें उन्हें माँ सरस्वती। आइए माँ सरस्वती के दर्शन करें। अज्ञानता से हमें तार दे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, ईशार दे मां, ईशार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां।
ओम शांति। नवरात्रि पर्व की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारा संसार, जिसे आदि शक्ति माँ सरस्वती के रूप में पूजता है, जिनकी आराधना करता है, ऐसी विद्या की देवी माँ सरस्वती, जिन्हें हंसवाहिनी विद्या दायिनी भी कहा जाता है, भगवती माँ सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा और हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथ में वीणा शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमल पर अपना आसन ग्रहण किया हुआ है, जो संपूर्ण जगत में पूजनीय हैं, ऐसी माँ सरस्वती विद्या की देवी कि आज हम उनके अलंकारों से अनुग्रहित होते हैं। हम सब जानते हैं कि विद्या के बिना मानव जीवन निसार है। विद्या मानव जीवन के संपूर्ण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्या के साथ मानव का बौद्धिक शक्ति अनुशासित होती है और चरित्रवान बनाती है। तो ऐसे ही माँ सरस्वती के हाथ में जो स्थूल सितार दिखाया गया है, वो कोई स्थूल संगीत का प्रतीक नहीं है, अपितु परमात्मा के सत्य ज्ञान को समझकर, अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत कर, कदम कदम पर उस ईश्वरीय ज्ञान के आधार से कर्म करना, जिससे मानव जीवन का ये संगीत बहुत ही सहज और सुगम बन जाता है। तो वो संगीत, वो सितार इस बात का प्रतीक है। जैसे सितार की हर तार जब निश्चित स्थान पर सही तरीके से जुड़ी हुई होती है, तभी उसमें से एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको सुनकर बहुत ही सुकून महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा के मन और बुद्धि का तार उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो आत्मा के हर कर्म बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ और महान बन जाते हैं। तो ऐसी माँ सरस्वती, जिन्हें हंस वाहिनी कहते हैं, हंस अर्थात दिव्य बुद्धि, हंस दिव्य बुद्धि का प्रतीक है। ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान को धारण करने के लिए आत्मा की बुद्धि बहुत ही दिव्य और अलौकिक होना जरूरी है। ठीक वैसे ही माँ सरस्वती, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे ही हमें अपने दिल में सभी आत्माओं के प्रति पवित्र भावनाओं को सिंचित करना है, क्योंकि श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। तो चलें, आए हम ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप का अनुभव स्वयं में करें। तो सबसे पहले अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ एक पवित्र सितारा देखें। मैं देह से न्यारी प्रकाशमान आत्मा हूँ। मेरे मस्तक से ये दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया है। मेरे चारों तरफ पवित्रता का ओरा बन गया है। देखे अपने आप को इस ओरे के बीच एक चमकता सितारा। मेरे नैनों में रूहानी चमक है। मेरे मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव हैं। गुणों को धारण करते हुए शक्तियों से संपन्न बन मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप पवित्रता है। मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करें। पवित्रता के इस आभा मंडल के बीच मैं अपने उज्जवल और धवल स्वरूप को देख रही हूँ। कितना सुंदर मेरा स्वरूप है। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में से निकल रही है। मेरे मस्तक से निकलती पवित्रता की किरणों में चुंबकीय आकर्षण है। ये पवित्रता का बल
अनेक आत्माओं तक भी पहुंच रहा है। ये बल मुझ में अनेक शक्तियां जागृत कर रहा है। मुझ आत्मा को ये बल उस परम पिता परमात्मा जो एवर प्योर है उससे प्राप्त हो रहा है, महसूस करें कि बल मुझ में भरता जा रहा है।
आनंद से जीवन में सुख ही सुख मिला। पावन
मुझे ऐसा दिव्य पवित्र स्वरूप प्रदान करने वाले परमपिता परमात्मा, उनकी पवित्र किरणों से मेरी बुद्धि बहुत ही दिव्य अलौकिक और सद्बुद्धि बनती जा रही है। मेरा मन एकदम शांत, स्थिर और एकाग्र होता जा रहा है। इसी एकाग्रता के साथ परमात्म ज्ञान के सत्य मोती मेरी बुद्धि में धारण होते जा रहे हैं। इन ज्ञान के मोतियों से मेरे मन में सुंदर विचारों की माला बनती जा रही है। इस माला को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हर आत्मा इस माला में पिरोई हुई है। इस माला को देखकर सर्व आत्माओं के प्रति मेरी दृष्टि, वृत्ति सब में परिवर्तन आता जा रहा है। हर आत्मा को मैं सम्मान की नजर से देख रही हूँ।
ये पूरा विश्व मुझे एक परिवार की तरह दिख रहा है। विश्व बंधुत्व की भावना मेरे मन में जागृत हो रही है। हर आत्मा के प्रति मेरे दिल से रहम की भावना, शुभ भावना निकल रही है। हर आत्मा तक मेरे दिल के ये पवित्र भाव वाइब्रेशंस के रूप में पहुंच रहे हैं। महसूस करें कि हमारे दिल से निकली शुभ भावनाएं उन आत्माओं तक पहुंच रही हैं। और वो आत्माएं भी हमारे वाइब्रेशंस को कैच कर रही हैं। Thank you.
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो, तुम बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। विश्व की हर एक आत्मा उस परमात्मा की एक अद्भुत रचना है। हर आत्मा में गुण और विशेषताएं विद्यमान है। मैं अपनी पारखी दृष्टि से हर आत्मा की विशेषताओं को देख रही हूं। उन विशेषताओं को देखकर मैं प्रफुल्लित होती जा रही हूं।
ऐसा लग रहा है, कितना सुंदर हर आत्मा का पार्ट है। कितना सुंदर ये ड्रामा है, हर आत्मा के पार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हर फूल की अपनी चमक, अपनी खुशबू होती है। ठीक उसी तरह हर आत्मा की भी अपनी चमक, अपनी विशेषताओं की खुशबू, अपनी यूनिकनेस है। कितना अच्छा अनुभव मैं कर रही हूं, इस रूहानियत की खुशबू से ऐसा लग रहा जैसे मेरी जीवन रूपी बगिया महक उठी है। आत्मा को देखकर उस परमात्मा के ऊपर मुझे नाज हो रहा है। ऐसे लग रहा जैसे वो रचयिता भी सुंदर और उसकी रचना भी अति सुंदर है। इस ड्रामा को और विश्व की हर आत्मा को इसी भाव से देख रही हूं। अति सुंदर
तुझे देख कर जग वाले पर तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा ओ का संगम आधार तू प्रेम कहानी का मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का जूं रेत में झरना पानी का अपना रूप दिखाने को अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा ओ परमात्मा का ज्ञान पाकर मैं आत्मा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन गई हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों ही कालों को मैं जान गई ज्ञान के तीसरे नेत्र से अब मैं इस सृष्टि को देख रही हूं। मैं आत्मा साक्षी होकर अपने हर कर्म को देख रही हूं। हर आत्मा के पार्ट को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूं। स्थिति परिस्थिति हर सीन को मैं साक्षी होकर देख रही हर सीन
मुझे बहुत ही कल्याणकारी नजर आ रहा है। सीन के प्रभाव से न्यारी और प्यारी होती जा रही हूं। हर सीन मुझे खेल अनुभव हो रहा है। इस खेल का मैं आनंद ले रही हूं। अपने इसी स्वरूप में साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाए। देखिए हर सीन को साक्षी होकर। मैं ऐसी ज्ञान युक्त माँ सरस्वती के रूप में मेरे हाथों से स्नेह शक्ति और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अपने हाथों से ये प्रकाश फैलते हुए देखें। अपने आप को माँ सरस्वती वरदानी मूरत के रूप में मैं देख रही हूं।
शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। आज हमने माता सरस्वती के अलंकारों के रहस्य को समझा, उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव किया, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान के बिना मन असार है, ज्ञान मन के अंधकार को दूर करता है और हमें चरित्रवान बनाता है, हमारा बौद्धिक विकास करता है। कल हम शक्ति की अवतार माता दुर्गा के दर्शन करेंगे। संकटों से मुक्ति के लिए, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इन्हीं सशक्त स्मृतियों के साथ कल फिर मिलेंगे। आप आइएगा, स्वागत करेंगे। ओम शांति।